रात के अंधेरे में देविका के कोसने और रोने की आवाज घर के पिछवाड़े में गूंज रही थी। श्रावणी मित्तल, तुम एक भयानक मौत मरोगी। देविका को उम्मीद नहीं थी कि उसके सब कुछ बताने के बाद भी श्रावणी मित्तल उसे जाने नहीं देगी और उसका बेटा भी नहीं लौटाएगी। उसके बच्चे का मुंह एक बार दिखाने के बाद श्रावणी मित्तल दोबारा देविका के पास कभी नहीं आई थी। इस बात से परेशान वो दिन बदिन उसकी कैद में परेशान और निराश होती जा रही थी। वो कभी नहीं जानती थी कि आसमान के काले होने का इंतजार करना और सूरज के उगने का इंतजार करना वास्तव में उसके लिए इतना मुश्किल था। वो कभी नहीं जानती थी कि ये जीवन मृत्यु से भी बदतर है। उसकी निगाहें दरवाजे की ओर टिकी थीं। वो अपने बेटे को वहीं खड़ा देखने के लिए उत्सुक थी कि तभी दरवाजा फिर से खुला। न जाने कितने दिन और कितनी रात बीत गए थे इस दरवाजे को खुला देखे उसे। आज वो दरवाजा खुला और उसके दूसरी तरफ से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि सामने दरवाजे पर एक लंबी सी परछाई खड़ी थी। चूंकि उसकी पीठ रोशनी की ओर थी, वो सामने खड़े इंसान का चेहरा क्लियर नहीं देख पा रही थी। तभी उस इंसान ने कहा, उसे बाहर लाओ। एक जानी पहचानी आवाज देविका को सुनाई दी। ये सुनते ही देविका काफी देर तक सुन्न रह गई। इस आवाज ने उसे एहसास दिला दिया कि ये व्यक्ति उसका सगा भाई ऋषि मित्तल है। ये वही दूसरा भाई था जो श्रावणी मित्तल के साथ मिला हुआ था। ये वही दूसरा भाई था जिसने उसे उसके भाई राजीव मित्तल और उसकी माँ को बेवकूफ बनाया था। तभी देविका ने देखा कि ऋषि मित्तल ने केवल इतना कहा और वहाँ से चला गया। देविका को दोनों ओर से पकड़े दो बॉडीगार्ड द्वारा कमरे से बाहर निकाला गया। वे उसे मित्तल हाउस के पिछवाड़े से घसीटते हुए ले गए, जिस मित्तल हाउस में वो 20 से अधिक सालों से रह रही थी। और फिर वो उस छोटे से रास्ते से गुजरी जिससे वो बहुत अच्छे से परिचित थी। आखिर में वो लोग देविका को लेकर अचानक मित्तल हाउस के गेट के पास आकर खड़े हो गए। जब वे लोग यहाँ पर आए तो उन लोगों ने एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनी। वहीं देविका के कानों में जब एक बच्चे की आवाज पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। वो अपना हाथ छुड़ाकर अंदर भागकर जाना चाहती थी, मगर दोनों बॉडीगार्डों ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था। तभी दोनों गार्ड ने ले जाकर देविका को जोर से फर्श पर फेंका। गिरते हुए देविका ने देखा कि उसकी आंखों के सामने ही उसका बेटा फर्श पर बैठा रो रहा है। बेबी, देविका के मुंह से एक सूखी और कर्कश आवाज निकली। देविका को बॉडीगार्ड ने जमीन पर जोर से पटक दिया था। वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने बच्चे को पुकारा और रेंगते हुए अपने बेटे की ओर बढ़ी। बच्चे ने भी मम्मी को देखा और मम्मी की तरफ रेंगते हुए रोया। आखिर में माँ बेटे ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। बेबी, कैसा है मेरा बच्चा? क्या तुझे मेरी याद नहीं आती थी? देविका ने अपने बेटे को कसकर गले लगाया और तब तक रोती रही जब तक कि वो आवाज रुककर बंद नहीं हो गई। ये दृश्य इतना सुकून देने वाला था कि आसपास के कठोर हृदय वाले बॉडीगार्ड भी ये देखना सहन नहीं कर सके और मुंह फेरकर इधर उधर देखने लगे। कुछ देर बाद मित्तल फैमिली के पुराने खाना बनाने वाले ने देविका के लिए खाना लगा दिया। ये वही बटलर था जो कई सालों से मित्तल परिवार से जुड़ा हुआ था। आज जब देविका ने पुराने बटलर को देखा तो उसने और ठंडेपन से कहा, कोई जरूरत नहीं है। देविका ने बटलर से कहा, सर ने आपको खाना खिलाने के लिए कहा था। अगर आपने खाना नहीं खाया तो वो आपको वहीं वापस भेज देंगे जहां आप पहले थीं, और आपका बच्चा भी दूर कर दिया जाएगा। इस वक्त ये बोलते हुए बूढ़े बटलर की आवाज शांत थी। उसने ये देविका से बिना किसी भाव के कहा था। देविका ने चुपचाप बटलर की बात सुनी और फिर खाना खाना शुरू कर दिया। इस वक्त वो बटलर को मन ही मन कोस रही थी। बूढ़े बटलर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप देविका का खाना खत्म करने का इंतजार करने लगा। उसके बाद वो हॉल से बाहर चला गया। आसमान धीरे धीरे काला हो गया। चांद तारे दिख रहे थे। देविका का बच्चा उसकी गोद में था और देविका उसके लिए लोरी गुनगुना रही थी और अपने बेटे को सुला रही थी। जब वो सो गया तो वो फर्श पर ही बैठी रही और उस हॉल को एकटक देखती रही जिसमें वो सालों से रह रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपने ही घर में कैद होना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में बूढ़ा रसोईया फिर आया। आपको आराम करने के लिए अपने कमरे में जाना चाहिए,
देविका ने अपनी पलकें भी नहीं उठाई, जैसे उसने नजरअंदाज कर दिया हो। ये देखकर बूढ़ा बटलर नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने बॉडीगार्ड से कहा, सर ने कहा है कि इन्हें आराम करने के लिए रूम में ले जाओ। गार्ड ने सिर हिलाया और देविका को जमीन से ऊपर खींचते हुए अंदर चला गया। तुम लोग क्या कर रहे हो, देविका ने बोला। उसने सोचा कि बॉडीगार्ड देविका को उसके बेटे से अलग करने वाला है। उसने अपने बेटे को कसकर गले लगाया और चिल्लाई, उसे बच्चे से दूर मत करो, बूढ़े बटलर ने कहा और कमरे की तरफ चला गया। बॉडीगार्ड देविका को घसीट रहे थे और उसे बुरी तरह से जमीन पर घसीटते हुए एक कमरे के अंदर ले आए। देविका के हाथ में उसका बेटा उससे गले लगा हुआ था। घसीटने की वजह से उसे चोटें आ रही थीं। ये देखकर देविका जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम लोगों को मेरी हाय लगेगी, तुमने एक माँ और उसके बच्चे को दूर किया था और अब हमें इतनी तकलीफ दे रहे हो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तभी बूढ़े बटलर ने दरवाजा खोला और किनारे खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, उसे अंदर बंद कर दो। बटलर की बात सुनते ही गार्ड ने देविका को कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जब गार्ड ने देविका को अंदर धकेला था तो देविका बुरी तरह से अंदर जा गिरी। कमरे में घनघोर अंधेरा था। देविका ने देखा कि ये कमरा तो उसकी माँ अमृता मित्तल का कमरा है। इससे पहले वो कुछ और सोच पाती कि क्या हो रहा है, उसकी गोद में उसका बच्चा रोने लगा। वो काफी देर तक बच्चे को सहलाती रही। बच्चे को लगातार फुसलाने की वजह से वो गहरी नींद में उसकी गोद में फिर से सो गया था। उसके सो जाने के बाद देविका ने चारों तरफ कमरे में एक नजर दौड़ाई। उसने देखा कि कमरे की सजावट अभी भी बिल्कुल बदली नहीं है। आज भी इस कमरे में हर एक चीज बिल्कुल वैसी ही रखी है जैसी अमृता मित्तल यानी कि देविका की माँ को पसंद थी। देविका उठी और उसने चुपचाप बिस्तर पर ले जाकर बच्चे को सुला दिया और फिर अपनी माँ की तस्वीर के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। माँ, जब देविका उदास होकर रो रही थी तभी उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। इस आहट से वो फिर डर गई और जब उसने देखा तो उसके सामने वही बूढ़ा बटलर खड़ा था। बटलर अभी भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। ऋषि सर ने बोला है आप नहाकर कपड़े बदल लीजिए। बटलर के ये कहने के बाद उसे बहुत देर तक जब देविका की कोई आवाज नहीं आई तो उसने दरवाजा खोल दिया। तभी अंदर बैठी देविका ने देखा कि बूढ़ा बटलर कपड़े का एक सेट लेकर अंदर आ रहा है। ये रहे आपके कपड़े, नहाने के बाद इन्हें पहन लो। नहीं, देविका ने उसकी ओर देखे बिना ही कहा, ये ऋषि सर का आदेश है, अगर आप इसे नहीं करना चाहती हैं तो मुझे बाहर के लोगों की मदद लेनी पड़ेगी और ये करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बूढ़ा बटलर देविका के पास से गुजरा और बिस्तर पर चला गया। उसने अपने हाथ में लिए कपड़े बिस्तर पर रख दिए और फिर बिस्तर के दूसरी ओर घूमते हुए जाकर कमरे में लगी चिमनी के पास खड़ा हो गया। वो एक यूरोपीय चिमनी थी जिसे विशेष रूप से बूढ़ी अमृता मित्तल द्वारा लगवाया गया था। हालांकि इसे आज तक जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, ये सिर्फ एक शोपीस की तरह फिट किया गया था क्योंकि अमृता मित्तल को अपने कमरे में ऐसी सजावटें पसंद थीं। उसी चिमनी के पास एक पेंटिंग भी लगी हुई थी। वहीं खड़े बूढ़े बटलर ने पेंटिंग को थोड़ा सा हिलाया और चिमनी के बगल की दीवार दरवाजे की तरह खुल गई। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? क्या आप अब नहाना चाहती हैं और अपने कपड़े बदलना चाहती हैं? या क्या आप चाहती हैं कि मैं किसी को नहाने और आपके कपड़े बदलने में मदद करने के लिए इनवाइट करूं? बूढ़े बटलर का लहजा अब भी पहले जैसा ही शांत था। मैं अपने आप नहा लूंगी। जवाब देने से पहले देविका कुछ सेकंड के लिए चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बटलर ने उसे ये गुप्त दरवाजा क्यों दिखाया। चूंकि आपने खुद नहाने का मन बना लिया है इसलिए मैं आप पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये बोलते बोलते बटलर बाथरूम की ओर चला गया। फिर उसने बाथरूम के सारे नल चालू कर दिए और इस बहते पानी की तेज आवाज ने सभी आवाजों को दबा दिया। वो जल्दी से भागते हुए बाथरूम से दबी आवाज में कमरे में लौट आया और देविका से फुसफुसाया, सबसे बड़ी बूढ़ी मैडम अमृता मित्तल का दरवाजा सीधे पिछवाड़े की ओर खुलता है, वहाँ के लोगों को मैंने पहले ही बर्खास्त कर दिया है। अब आप बाबा को लेकर यहाँ से सीधा बाहर जंगल की ओर दौड़ जाइए। याद रखें, आपको सड़क की ओर नहीं भागना है, अगर आप सड़क की तरफ जाएंगी तो पकड़ी जाएंगी। थैंक यू, देविका सुबक रही थी। उसने बूढ़े बटलर को धन्यवाद दिया। देविका बिटिया,
मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने मित्तल परिवार में दशकों तक काम किया है, आप लोगों का नमक खाया है और मुझे बड़ी मैडम अमृता जी के प्रति भी वफादारी रखनी चाहिए। इतना कहने के बाद बूढ़े बटलर ने देविका के निकलते ही दीवार को वापस उसके पहले वाले रूप में कर दिया। ढंग से नहाइएगा और जितना समय चाहिए उतना लें। इतना कहकर वो आवाज तेज उठाते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसकी आवाज ने बाहर खड़े गार्ड्स को ये एहसास दिला दिया कि देविका अभी नहा रही है। बाहर खड़े बॉडीगार्ड को बूढ़े बटलर पर कोई संदेह नहीं हुआ और उसने उसे आराम से वहाँ से जाने दिया। एक घंटा बीता और फिर दो घंटे बीत गए। कमरे में से कोई आवाज नहीं आई। तभी बाहर खड़े बॉडीगार्ड को एहसास हुआ कि दाल में कुछ काला है और फिर वो देविका के कमरे में घुस गया। जब उसे कमरे में कोई नहीं मिला तो उसने न केवल ऋषि मित्तल को इन्फॉर्म किया बल्कि उसने श्रावणी मित्तल को भी जाकर इन्फॉर्म किया। तुम बेकार के आदमी हो, एक औरत को देख भी नहीं सकते? श्रावणी मित्तल ने गार्ड पर चिल्लाया। मैडम, ऋषि सर के ऑर्डर पर उन्हें दादी के कमरे में भेजा गया था ताकि वो इतने दिनों बाद नहा धोकर साफ कपड़े पहन ले। हम लगातार निगरानी कर रहे थे, वो कैसे अचानक अंदर ही अंदर गायब हो गई? पता ही नहीं चला। गार्ड ने अपने सर को नीचे किए ही सब कुछ श्रावणी को बता दिया। श्रावणी मित्तल ने जैसे ही ये सुना उसने गार्ड की जमकर पिटाई की और फिर गुस्से से कहा, उसे क्या आसमान निगल गया या धरती निगल गई? देखो जाकर, जल्दी करो और पीछा करो उसका, ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। हाँ, देविका का पीछा करने के लिए गार्ड्स तुरंत वहाँ से निकल गए। श्रावणी मित्तल पास ही बैठे ऋषि मित्तल को काफी देर तक घूरती रही। उसके बाद वो मुड़ी और बाहर चली गई। क्या श्रावणी देविका को ढूंढ पाएगी? क्या ध्रुव को पता चलेगा कि कौन था अप्सरा के कत्ल के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट एफएम के साथ। श्रावणी ने गार्ड की बात सुनी और गुस्से में वहां से निकलने लगी। ये देखकर ऋषि मित्तल खड़ा हो गया। उसने देखा कि श्रावणी जा रही है। ऋषि ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए रोका, अब कहां जा रही हो तुम? श्रावणी मित्तल ऋषि की बात सुनकर रुकी जरूर पर मुड़ी नहीं। उसने बिना पलटे ही कहा, तुम जाओ और उस नैना श्रीवास्तव को संभालो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ये सुनते ही ऋषि ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया और फिर उसने बातों ही बातों में श्रावणी को रोकते हुए कहा, तुम्हें पता है देविका भाग चुकी है, यहाँ से वो सीधा भागकर ध्रुव के पास ही जाएगी, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। उसके ध्रुव के पास पहुँचने से पहले ही हमें उसे रोकना पड़ेगा, तो रुको और उसको ढूंढो। ये सुनते ही श्रावणी का शरीर हिल गया और फिर उसने कहा, बात अभी इतनी नहीं बढ़ी है, कोई नहीं जानता कि वो कहां भाग कर जाएगी, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। ऋषि ने गुस्से से कहा, श्रावणी, मामला बहुत बढ़ चुका है, हमें इसको सही टाइम पर अपने हाथों में लेना होगा, नहीं तो कुछ गलत हो सकता है। श्रावणी मित्तल ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने कदमों को उठाया और बाहर चली गई। बाहर अब रोशनी होने लगी थी और श्रावणी मित्तल हाउस से बाहर निकल रही थी। वो मन में सोच रही थी कि वो इस मामले को खुद निपटाएगी। बाहर निकलते वक्त उसने धीरे से अपने बैग से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। सब कुछ पलट गया है, देविका भाग चुकी है, मैंने पहले ही अपने गार्ड्स को उसका पीछा करने के लिए कह दिया है, वैसे मुझे उम्मीद है वो जल्दी मिल जाएगी। श्रावणी मित्तल की आवाज बहुत धीमी थी। उसने फिर आगे फोन पर कहा, एक काम करो, जाओ और जाकर उसका वेट करो। नहीं नहीं, मुझे लगता है उसका वेट करना बेकार है, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा बुरा होने से बचने का प्लान बनाओ, क्योंकि अगर देविका ध्रुव के हाथ लग गई तो ध्रुव हमें छोड़ेगा नहीं। मैं जाकर नैना को संभालती हूँ, वैसे मैंने तुम्हें उसको रखने के लिए एक जगह तैयार करने को बोला था, तुमने वो किया? क्या तुम तैयार हो? मैं अब नैना से मिलने जाऊंगी। ये बोलते हुए श्रावणी मित्तल धीरे से हंस पड़ी। वहीं फोन पर बात करते दूसरी तरफ से एक इंसान ने कहा, हाँ सब तैयार है, चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि नैना तुम्हारा पीछा करते हुए आएगी। ये सुनते ही श्रावणी ने कहा, हाँ तुम्हें बस मेरे कॉल का इंतजार करना है, चलो फोन रखते हैं। श्रावणी मित्तल के फोन रखने के बाद वो मित्तल फैमिली के आंगन से बाहर निकल गई। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंची
तो वो कुछ ज्यादा जल्दी आ गई थी। नैना अभी हॉस्पिटल पहुंची भी नहीं थी, इसलिए उसने पास के ही एक कैफे में बैठना ठीक समझा। नाश्ता करने के बाद वो कुछ खाना पैक करवा के अश्विन के अपार्टमेंट में चली आई। जब से ध्रुव ने 5 साल पहले मित्तल परिवार का बिजनेस उलट पलट किया था, तब से अश्विन यहीं अपार्टमेंट में रहने लगा था और बाहरी दुनिया से कट गया था। नैना की वजह से अश्विन और श्रावणी एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके थे। इन 5 सालों में शायद ही श्रावणी यहाँ कभी आई थी। आज कार ठीक से पार्क करने के बाद श्रावणी मित्तल ने पैसेंजर सीट पर रखा नाश्ता उठाया और कार से उतर गई। वो अश्विन के अपार्टमेंट तक गई और दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद कदमों की आवाज आई, तभी अपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से खुला। श्रावणी मित्तल को देखकर आधी खुली नींद में सोया अश्विन दंग रह गया। फिर उसने कहा, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई थी। श्रावणी मित्तल के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। माँ मैं नाश्ता नहीं करता, आपको पता है ना, अंदर आओ। अश्विन ने श्रावणी मित्तल की ओर रुख किया और उसे अंदर आने का इशारा दिया। सुबह का नाश्ता स्किप करना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें पता है ना? श्रावणी मित्तल ने हाथ बढ़ाया और अश्विन के बालों को सहलाया। मुझे पता है मुझे कैसे रहना है और अपना ख्याल कैसे रखना है। अश्विन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया और कहा, माँ बैठ जाओ आप, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। श्रावणी मित्तल अपने हाथ में लिए हुए नाश्ते को डाइनिंग टेबल पर ले आई और लिविंग रूम में इधर उधर देखने लगी। उसे ये देखकर अजीब लगा कि अश्विन अकेले कितना अजीब तरीके से रहता है। उसके घर का सामान बहुत फैला हुआ था। श्रावणी मित्तल ने अपने हाथों में रखा बैग सोफे पर रख दिया। फिर उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और सफाई करने लगी। जब अश्विन वॉशरूम से बाहर आया और उसने श्रावणी मित्तल को लिविंग रूम की सफाई करते देखा, तो उसे लगा कि वो कोई चमत्कार देख रहा है। अश्विन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया और उसने कहा, माँ आप सफाई मत करो, नौकर बाद में आएगा, वो ये सब कर लेगा। लगभग हो चुका है, जाओ और पहले नाश्ता कर लो। ये बोलते वक्त श्रावणी मित्तल ने सिर भी नहीं उठाया। ओह, अश्विन ने जवाब दिया, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी निगाहें बिजी श्रावणी मित्तल पर टिकी थीं। श्रावणी मित्तल ने अपना काम पूरा करने के बाद अश्विन को अपने पीछे खड़ा देखा। वो एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम वहां क्यों खड़े हो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ओह हाँ ठीक है। अश्विन को लगा कि उसकी माँ आज थोड़ी अजीब हरकतें कर रही थी। उसे देखकर वो टेबल की तरफ चला गया और श्रावणी मित्तल द्वारा लाया गया नाश्ता खाने लगा। श्रावणी मित्तल अश्विन के सामने आकर बैठ गई और उसे अपना नाश्ता थोड़ा थोड़ा करके खाते हुए देखने लगी। जब उसने नाश्ता कर लिया तो वो उठी और सोफे से अपना बैग उठाकर जाने लगी। ये देखकर अश्विन उठ खड़ा हुआ और कुछ बेमन से कहा, माँ क्या आप कंपनी जा रही हैं? फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्रावणी मित्तल एक पल के लिए हैरान रह गई और उसने कहा, नहीं मुझे कुछ काम है, मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। अश्विन ने सिर हिलाया और फिर श्रावणी मित्तल को अपार्टमेंट से बाहर ड्रॉप कर दिया। श्रावणी मित्तल ने अपना सिर उठाया और अश्विन की बिल्डिंग को देखा। फिर उसने कार स्टार्ट की और रिहायशी इलाके से बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद वो सिटी के पीपल्स हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने अपनी कार को पीपल्स अस्पताल के सामने वाली सड़क पर खड़ा कर दिया और पीपल्स अस्पताल के एंट्री गेट की ओर देखने लगी। 10 मिनट से ज्यादा समय तक चुपचाप कार में बैठने के बाद उसने ध्रुव की ऑडी कार को पलटते हुए देखा। उसने देखा कि ध्रुव की ऑडी कार के पीछे 2 बड़ी कारें और थीं। उसने देखा कि कार के रुकते ही 4 बॉडीगार्ड जल्दी से बड़ी कारों से उतरे और ध्रुव की कार को घेर लिया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि नैना और ध्रुव कार से उतरे। श्रावणी मित्तल कार में बैठे चुपचाप ये सब देख रही थी। फिर उसने नैना को ध्रुव को अलविदा कहते हुए देखा और नैना उन बॉडीगार्ड के साथ अस्पताल में अंदर चली गई। जैसे ही श्रावणी ने ध्रुव की कार को जाते हुए देखा तो उसने जल्दी से कार का धक्का देकर दरवाजा खोला और बाहर चली आई। फिर वो धीमे कदमों के साथ धीरे धीरे सड़क पार कर
पीपल्स अस्पताल में अंदर चली गई। नैना के ऑफिस में एंटर करने के कुछ ही समय बाद नैना के ऑफिस में नैना की असिस्टेंट कविता ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गई। डॉक्टर नैना, हर कोई आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही नैना ने अपना सिर हिलाया और उठ खड़ी हुई। नैना का राउंड पर जाकर पेशेंट का चेकअप करने का तरीका अन्य डॉक्टरों से अलग था। उसने जल्दी से कविता के साथ जाकर ब्रेन डिपार्टमेंट के पूरे वार्ड का दौरा किया और हर पेशेंट के मामले की जांच की। साथ ही उसने अटेंडेंट डॉक्टर को मरीज के कंडीशन के बारे में भी बताया। इस वक्त नैना के कहे शब्दों से यहाँ ब्रेन डिपार्टमेंट के बाकी डॉक्टरों और नर्सों के लिए सीखने का मौका था। नैना की राउंड पर आई टीम बहुत बड़ी टीम थी। इसके अलावा उसके साथ 4 गार्ड्स भी उसका पीछा कर रहे थे। नैना के साथ इतने लोगों को देखकर सभी हैरान थे। असल में ये एक बहुत बड़ी टीम थी। जब श्रावणी ने भी देखा कि नैना इतने लोगों के साथ चल रही है तो वो ये देखकर हैरान हो गई। श्रावणी मित्तल ने नैना को देखा जो अपनी टीम की भीड़ में दब गई थी। उसने चालाकी से अपने चेहरे को नीचे किया और फिर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगी। जब नैना अपना राउंड खत्म करके वापस अपने ऑफिस आई तो वहाँ कोई नहीं था। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसने देखा कि श्रावणी मित्तल कुछ ही दूरी पर खड़ी है। वो पहले उसे देखकर दंग रह गई, फिर आदर से श्रावणी मित्तल की ओर झुकी और नमस्ते किया। नैना ने सोचा था कि श्रावणी मित्तल उसे उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देगी, लेकिन नैना की सोच के विपरीत श्रावणी ने उसे देखा भी और जवाब भी दिया। हेलो नैना, कैसे हो तुम? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है ना? नैना को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि श्रावणी उससे बात कर रही है। फिर उसने श्रावणी को देखा और फिर कहा, हाँ ठीक कह रही हैं आप, काफी समय से नहीं मिले हम। असल में नैना और श्रावणी ने कभी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं की थी। श्रावणी अश्विन की वजह से नैना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो उन दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। श्रावणी ने नैना के चेहरे को देखा और फिर से एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा, जैसे वो कुछ बड़ा प्लान करने वाली हो। उसकी निगाहों ने नैना को भी कुछ हैरान कर दिया था। उससे रहा नहीं गया, हार कर नैना ने खुद श्रावणी से पूछा, आप यहाँ? इतनी देर से मैं तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ, श्रावणी ने कहा। ओह, नैना के अनुसार श्रावणी हमेशा से उसे नापसंद करती थी, इसलिए जब श्रावणी ने कहा कि वो उसको ही ढूंढ रही थी और उससे बात करना चाहती थी तो उसने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया। वहीं श्रावणी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे कि उसे पहले से ही नैना से इस रिएक्शन की उम्मीद थी। ये देखते हुए श्रावणी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें ध्रुव की कोई बात बताने के लिए आई थी। ध्रुव? क्यों, क्या हुआ उसको? नैना ने शक की निगाह के साथ उसकी आंखों में देखा। ध्रुव के नाम से ही बेचैन नैना को देखकर श्रावणी की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, दरअसल में ध्रुव और उसके पिता राजीव के बीच जो कुछ भी है उसके बारे में मैं बात करने के लिए आई थी। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, क्या तुम फ्री हो? नैना ने एक पल के लिए उसे देखा और धीरे से सिर हिलाया। नैना को देखकर श्रावणी ने नैना के पीछे 4 बॉडीगार्ड को देखा। अगर हो तो फिर मैं हॉस्पिटल के बाहर सड़क के उस पार कार में तुम्हारा इंतजार करूंगी। श्रावणी मित्तल अभी भी नैना को लगातार घूरे जा रही थी। उसे डर था कि वो कहीं मुझसे मिलने से पहले ध्रुव को सारी बातें बता न दे, इसलिए उसने उसे घूरते हुए देखा और कहा, तुम ध्रुव के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती हो। अगर उसे पता चलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ तो न केवल उसके साथ मेरा रिश्ता और भी खराब हो जाएगा बल्कि ध्रुव और राजीव का रिश्ता भी खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगी, नैना ने कहा। नैना को सच में ध्रुव का गुस्सैल स्वभाव पता था, इसलिए उसने श्रावणी की बात पर हामी भर दी। क्या नैना श्रावणी से मिलने जाएगी? आखिर क्या प्लान है श्रावणी मित्तल का नैना को लेकर? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट FM के साथ। श्रावणी मित्तल ने नैना से बात की और वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही नैना ने थोड़े बहुत काम जल्दी से निपटाए। फिर हॉस्पिटल से निकलकर नैना बाहर आने लगी, तभी गार्ड ने उसे अकेले जाने से रोक दिया। नैना बड़ी जल्दी में थी और गार्ड के बीच में आने से वो परेशान हो गई।
वहीं नैना समझ गई कि श्रावणी जरूर कोई जरूरी बात करना चाहती है, इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड को समझाया, देखो मैं कहीं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, बस थोड़ी ही देर में लौट कर आ जाऊंगी, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं, यही मेरा इंतजार करना। जैसे ही नैना ने अपने बॉडीगार्ड को ये समझाया, वो तुरंत अपना बैग उठाकर हॉस्पिटल से बाहर चली आई। जब वो हॉस्पिटल के बाहर आई तो उसने देखा कि गेट के बिल्कुल सामने एक रेड लग्जरी कार खड़ी है। नैना समझ गई कि ये कार श्रावणी मित्तल की ही है। कार को देखते हुए नैना ने सड़क पार की और जैसे ही वो कार के पास गई, दरवाजा खुल गया। श्रावणी मित्तल ने उससे कहा, अंदर आओ, मैं तुम्हें एक शांत जगह पर ले चलती हूँ और फिर हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। नैना जैसे ही कार में बैठ गई तो श्रावणी मित्तल ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गई। वो जल्दी से कार को शहर से बाहर ले आई। फिर वो लोग आखिर में टाउन के वेस्ट में एक बड़े से क्लब हाउस गए। पार्किंग में कार लगाने के बाद श्रावणी मित्तल ने जैसे ही कार का इंजन बंद किया और पैसेंजर सीट पर बैठी नैना को देखा तो वो शांत और चुपचाप वहां बैठी थी। उसने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, चलो चलते हैं। नैना ने कार से बाहर देखा और फिर झिझकते हुए कार से उतर गई। कार से बाहर निकलने के बाद श्रावणी मित्तल उसे क्लब हाउस में ले आई। उन्होंने देखा कि दिन के उजाले में क्लब हाउस में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए वो नैना को और अंदर की तरफ ले आई जहां लोगों की आवाज ही बहुत ना के बराबर थी। उसने चलते हुए नैना से कहा, तुम्हें पता है ध्रुव और उसके डैड के रिलेशन कई साल पहले से ही अच्छे नहीं थे। उस समय वो बस 6 साल का था। उसके माता पिता का तलाक हो जाने के बाद वो अपनी माँ के साथ शिफ्ट हो गया था। जब वो दूर हो गए तब राजीव ने मुझसे शादी की। श्रावणी बड़ी चालाकी से नैना को ध्रुव के बारे में बता रही थी और नैना भी धीरे धीरे उसके जाल में फंसती जा रही थी। ये श्रावणी मित्तल की चालाक बुद्धि थी कि नैना को उस पर कोई संदेह तक नहीं हो रहा था। वो बड़ी चालाकी से सच में ध्रुव और राजीव के बीच जो अतीत था उसके बारे में बात कर रही थी। वहीं श्रावणी मित्तल ये बहुत अच्छे से जानती थी कि कोई भी उसकी झूठी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आधी सच्ची और आधी झूठी कहानी पर विश्वास जरूर करेगा, इसलिए वो जो मन में आए बोलती जा रही थी। अब वो उसे लगातार देखते हुए कुछ सोचने लगी। थोड़ी ही देर में उसने अपनी आंखें उठाकर सामने देखा तो एक प्राइवेट कैबिन उसकी नजरों के सामने था। उसने फुर्ती दिखाई और नैना का हाथ पकड़कर अंदर ले आई। चलो चलो नैना, हम चलते हैं, आराम से बैठकर बातें करेंगे। बड़े दिन हुए बात किए तुमसे, मुझे तुमसे ध्रुव के बारे में बहुत सारी बात करनी है। कैबिन में घुसते ही नैना ने श्रावणी को अजीब नजरों से देखा। तभी नैना को श्रावणी ने कहा, वो अपने डैड से और मुझसे भी नफरत करता था क्योंकि उसे लगता था कि मैं उसके डैड और उसकी माँ के तलाक के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो सच ये था कि मैं तो इस बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। जब वो 11 साल की उम्र का था तब उसकी माँ का निधन हो गया। उस वक्त वो मुझे उनकी मौत का जिम्मेदार मानता था। श्रावणी मित्तल सीधे कॉफी टेबल के पास जाकर वहां रखे 2 ग्लास में पानी डालने लगी। फिर उसने चालाकी से एक पानी के ग्लास में कुछ मिलाया। जब उसने मुड़कर देखा तो नैना अभी भी वहीं गेट पर खड़ी थी। वो डरते हुए मुस्कुराई और नैना से कहा, बैठो नैना, खड़ी क्यों हो? थैंक यू। नैना कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर सोफे पर जाकर बैठ गई। श्रावणी मित्तल ने फिर नैना को देखकर इशारा किया और खुद चेयर से उठकर अंदर वॉशरूम में चली गई। वो कुछ देर वॉशरूम में रही और फिर बाहर आ गई। वो सोफे पर आई और नैना के सामने पानी को देखा। उसने बिना हिले ही पूछा, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी? नैना ने अपने होठों को मोड़ा और सिर हिलाया, नहीं। नैना ने आगे कहा, मैं बस ध्रुव और अंकल को एक साथ बैठकर बात करने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहती हूँ। ये सुनते ही श्रावणी ने कहा, अरे इतनी देर से हम यहाँ आए हुए हैं, कम से कम पानी तो पी लो। श्रावणी के ये कहते ही नैना ने ग्लास से एक सिप पानी पी लिया और फिर ग्लास को साइड में रखते हुए उसे देखने लगी। जैसे ही नैना ने पानी पिया श्रावणी मित्तल का फोन बज उठा। श्रावणी मित्तल ने कॉलर आईडी देखी और चौंकते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई और फिर धीरे से फोन उठाया। वहीं नैना को नहीं पता था कि श्रावणी मित्तल किससे बात कर रही है, ना ही उसे ये पता था कि सामने वाला श्रावणी से क्या बोल रहा है। नैना ने सिर्फ श्रावणी मित्तल को कुछ बातें कहते हुए भी सुना। श्रावणी, हाँ
जल्दी करो। बात करने के बाद श्रावणी मित्तल इत्मीनान से अपनी सीट पर वापस आ गई और बैठ गई। श्रावणी, मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी भी है, तुम्हारे आने से पहले काम हो चुका है। नैना को श्रावणी मित्तल के अचानक से कहे गए शब्दों का मतलब समझ में नहीं आया, ना ही उसने श्रावणी से पूछा। बस उसे श्रावणी की कुछ बातें बड़ी अजीब लग रही थीं। नैना, मुझे लगता है हमारी बातें अब खत्म हो चुकी हैं। मुझे एक सर्जरी करनी है, मुझे जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी रहती हो, मगर कभी हमारे लिए भी टाइम निकाल लिया करो। श्रावणी मित्तल जल्दी में नहीं थी, इसलिए उसने धीरे धीरे नैना से कहा, ताकि टाइम और ऐसे ही निकल जाए और नैना जा भी ना पाए। श्रावणी आज किसी चाल को अंजाम देने के लिए यहाँ आई थी। श्रावणी नैना को रोकने की कोशिश कर रही थी। श्रावणी ने नैना को पानी में कुछ घोल कर दिया था, जिसका असर होना अभी बाकी था। कुछ मिनट के इंतजार के बाद ही दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया। जब नैना को अपनी तबीयत बिगड़ती हुई लगी तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर उसने श्रावणी को देखने के लिए सिर उठाया। नैना को ऐसा लग रहा था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हों। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थीं। शायद नैना को कुछ हो रहा था। नैना ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। थोड़ी ही देर में अब उसे लगने लगा कि उसका शरीर कुछ नरम हो गया है। वो सोचने लगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसे बुखार हो रहा था। ये सोचते सोचते नैना ने भौहें चढ़ाई। नैना, प्लीज किसी और दिन बात करते हैं, आज मुझे जाना होगा। नैना के जाने का सुनकर श्रावणी मित्तल की आंखें बिना पलक झपकाए नैना को घूरने लगी। तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो, क्या तुम कुछ देर रुकना और आराम करना चाहती हो? मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है। नैना ने अपना सिर हिलाया, वो मुड़ी और जाने लगी। हालांकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसी समय जैसे ही वो मुड़ेगी उसका शरीर एकदम शिथिल पड़ जाएगा और वो जमीन पर गिर जाएगी। इस समय श्रावणी मित्तल धीरे से सोफे से उठ खड़ी हुई और नैना के सामने आकर खड़ी हो गई। वो धीरे धीरे नैना पर झुकी और धीमे से बोला, ऐसा लगता है कि तुम अब उठ भी नहीं सकती। नैना ने कुछ सेकंड के लिए श्रावणी मित्तल को खाली आंखों से देखा और फिर महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। उसने श्रावणी मित्तल को देखा और पूछा, ये आपने किया? शक्ल से भोली दिखती हो, पर काफी होशियार हो नैना तुम। श्रावणी मित्तल ने नैना की बात से इनकार नहीं किया। मैंने बस पानी पिया था, तुमने क्या किया था उसमें? नैना सीधी बैठ भी नहीं पा रही थी, वो बस श्रावणी मित्तल पर झपटना चाहती थी, लेकिन उसका पूरा शरीर नरम पड़ चुका था। श्रावणी मित्तल ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुमने सब देख लिया। अच्छा, क्या तुम अब इतने सवाल पूछना बंद करोगी और चुपचाप बेहोश होगी, या मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा तुम्हें बेहोश करने के लिए? नैना, एक्सटेसी। नैना ने बढ़ती थकान को महसूस करते हुए अपने निचले होठ को काट लिया। श्रावणी मित्तल ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर आज मेरे जाल में फंसी गई। नैना ने बीच बीच में बेहोश होने से पहले पूछा, यू श्रावणी मित्तल, तुमने ऐसा क्यों किया? जब श्रावणी ने नैना की बातें सुनी तो ऐसा लगा जैसे उसे कोई चुटकुला सुना रहा हो। क्यों, तुम्हारी वजह से अश्विन ने हमेशा मुझे अपनी माँ को दुश्मन समझा है। वैसे तो तुम्हारे चले जाने के बाद से इन 5 सालों में मेरे और अश्विन के रिश्तों में कुछ सुधार आया था, मगर न जाने तुम कहाँ से फिर से वापस आ गई। आखिर तुम वापस क्यों आई हो? तुमने मेरी और सगे मेरे बेटे की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है। श्रावणी जितना ज्यादा बोल रही थी वो उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड होती जा रही थी। जब उसने बोलना खत्म किया तो उसकी आंखों में भयंकर चमक आ गई। तुम वापस आ गई हो तो अब अश्विन मुझसे फिर से नफरत करने लगेगा। बस इतना ही नहीं, तुम अश्विन की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए वापस आ गई हो ना? उस बूढ़ी औरत ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी, उसने अश्विन को इसका एक टुकड़ा भी नहीं दिया। क्या तुम हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वापस आई थी? तुम तो इस खानदान की भी नहीं हो, अश्विन तो फिर भी मित्तल परिवार का है। नैना आधी खुली आंखों से श्रावणी को देख रही थी। मुझे नहीं पता, पता नहीं मुझे कुछ भी,
नैना ने उसके कपड़ों के कोने को पकड़ लिया और श्रावणी वहीं खड़ी रही। नैना, मेरे सामने निर्दोष होने का नाटक मत करो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरीके से उस बूढ़ी औरत को अपने झांसे में लिया था। वो मरने से पहले ये सारी प्रॉपर्टी, सारी विरासत तुम्हारे नाम करके छोड़ गई है। इतना कहने के बाद उसने नैना को जमकर हिलाया। उसने देखा कि नैना अपना होश खो बैठी थी। देविका सीधा दादी के कमरे से जंगल की तरफ भाग निकली थी। जाहिर सी बात थी, क्योंकि किसी ने तो उसे वहां से भागने का रास्ता दिखाया था। और इतना तय है कि उस समय जब देविका भाग रही थी, तब वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मित्तल परिवार के आंगन से भागने के बाद देविका ने सीधा सड़क का रास्ता चुन लिया था। उसने बूढ़े बटलर की कही बात को सुनकर सड़क का रास्ता नहीं लिया था। इसके बजाय वो अपने बेटे को छोटी सड़क पर ले आई और जंगल में चली गई। जाड़े की गहरी रात में कड़ाके की ठंड थी और उसे चिंता थी कि कहीं उसके बेटे को सर्दी न लग जाए। देविका के पास उसके बदन पर कुछ अपने गंदे सूती कपड़े थे, वो उसने उतार दिए और अपने बेटे को चारों ओर लपेट दिया। देविका श्रावणी मित्तल की पकड़ से छूट तो गई थी, मगर क्या श्रावणी उसे ढूंढकर वापस उसका काम तमाम कर देगी या वापस उसे अपनी निगरानी में कैद कर लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट एफएम के साथ। रात बहुत हो चुकी थी। देविका लगातार जंगल में भागी जा रही थी। वो भागते भागते जंगल के सेंटर में पहुंच चुकी थी। आसमान में बिल्कुल भी उजाला नहीं था, जिसकी वजह से देविका को रास्ता साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो जंगल में काफी देर तक यहाँ वहाँ भटकती रही। देविका के हाथ में उसका नन्हा मुन्ना बच्चा भी था, इसलिए वो बहुत डरी हुई थी। जिस तरीके से बूढ़े बटलर ने उसे सहारा देकर भागने में मदद की थी, वो उसका एहसान मानते हुए बस जंगल की पथरीली और झाड़ियों वाले रास्ते से निकलते हुए जा रही थी। उसके कपड़े झाड़ियों में फस फस कर फट भी चुके थे। वहीं जंगल घना होने की वजह से श्रावणी के बॉडीगार्ड्स ने भी देविका को नहीं ढूंढा। उन लोगों ने सोचा कि वो जंगल की तरफ गई है, इसलिए वो बच नहीं पाएगी। जंगल के जंगली जानवर उसका काम तमाम कर ही देंगे, तो बेवजह मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। मगर आज शायद देविका का भाग्य अच्छा था कि वो किसी भी जानवर का शिकार नहीं बनी। वो लगातार जंगल में अपने बेटे को लिए भाग रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत थक चुकी थी। पैरों में बहुत चोट भी आई थी। लगातार भागते हुए वो रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी। रात के अंधेरे में वो थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करने लगी। एक बड़े से पेड़ दरक में उसने अपने सूट के फटे हुए दुपट्टे को बिछाया और फिर उस पर अपने बेटे को सुला दिया। उसका बेटा गहरी नींद में था, इसलिए उसने आसपास के एरिया में नजर डाली। जब उसे सब कुछ ठीक लगा तो वो भी अपने बेटे के बगल में लेट गई। धीरे धीरे रात के अंधेरे में कभी कभी किसी जानवर की आवाज गूंजती तो देविका नींद में भी सहम कर घबरा जाती। जैसे तैसे देविका ने जागती हुई आंखों में रात काटी और सुबह जब हुई तो वो जल्दी से अपने बच्चे को गोद में उठाकर फिर से चलने लगी। अब देविका जो पूरी रात खुले आसमान में घने जंगल में रास्ता खोज रही थी, उसे सुबह सुबह बुखार होने लगा था। उसने अपने शरीर में होने वाली बेचैनी को नजरअंदाज किया और सही पहाड़ी रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक जंगल के छोटे कच्चे रास्ते के चक्कर लगाने के बाद वो आखिरकार शहर में खुलने वाली सड़क पर पहुंची गई। अब भूख प्यास से माँ बेटे का बुरा हाल था। वो दोनों परेशान होकर बस रास्ता मिल जाने का इंतजार कर रहे थे। पूरे डेढ़ दिन से वो अपने बेटे को पकड़कर काफी देर तक सड़क पर चलती रही थी, इसलिए वो बहुत थक गई थी। गिरते पड़ते उसने रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी बुलाने के लिए हाथ दिखाया। रोड पर लगातार गाड़ियां गुजर रही थी, मगर देविका का हाल इतना बुरा हो चुका था कि कोई उसे देखकर रुक भी नहीं रहा था। कई टैक्सी ड्राइवरों ने उसे देखा, पर उसके फटे हाल को देखकर किसी ने उसके लिए कार भी नहीं रोकी। बहुत देर बीत जाने के बाद आखिरकार उसके लिए एक टैक्सी रुकी। उसको रुका देखकर देविका ने आंखों में आंसू भरकर ड्राइवर से विनती की। इससे पहले कि ड्राइवर उसे गाड़ी में बैठने के लिए राजी होता, वो हाथ जोड़कर उसे थैंक यू बोलने लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देविका ने कार में चढ़ने से पहले ही
रुककर ड्राइवर को धन्यवाद दिया। आपको कहाँ जाना है मैडम? ड्राइवर ने उसकी तरफ सहानुभूति से देखा और फिर पूछा। देविका ने उसे अपनी मंजिल बताई। एवरशाइन ग्रुप जाना है। ओह अच्छा। ड्राइवर ने सोचा कि देविका सिर्फ एवरशाइन ग्रुप के आसपास कहीं जाना चाह रही है, इसलिए उसने कोई परवाह नहीं की। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और एवरशाइन ग्रुप की डायरेक्शन में चल पड़ा। वैसे तो ये पीक आर नहीं था, इसलिए रोड पर लोगों की आगे निकलने की ज्यादा होड़ नहीं थी, इसलिए वो आधे घंटे बाद ही एवरशाइन ग्रुप पहुंच भी गए। टैक्सी देविका को एवरशाइन ग्रुप के आसपास के एरिया में लेकर आ गई थी। तभी ड्राइवर ने गाड़ी धीमी करते हुए पलटकर देविका को देखा और कहा, मैडम हम एवरशाइन ग्रुप के पास आ गए हैं। इस वक्त बुखार के कारण देविका का चेहरा लाल हो गया था और उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। वो पीछे की सीट पर आधी लेटी हुई बैठी थी। जब उसने ड्राइवर की बातें सुनी तो उसने आंखें खोलने की कोशिश की और खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि एवरशाइन ग्रुप अभी भी यहाँ से 200 मीटर दूर था। उसने गुस्से में भराई हुई आवाज में कहा, मिस्टर क्या आप उस ग्रुप के एंट्री गेट तक कार चलाकर ले जा सकते हैं? इस बात पर ड्राइवर ने देविका से मुंह फेर लिया और फिर आखिर में उसने हार मानकर एवरशाइन ग्रुप के एंट्री गेट तक कार को और आगे बढ़ा लिया। मैडम हम यहाँ पहुँच गए हैं। देविका खांसने लगी और उठने के लिए हिम्मत जुटाने लगी। देखिए भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं पैसे लेने अंदर जाऊंगी और फिर आपको लाकर दे दूंगी। आपको मेरा वेट करना पड़ेगा। देविका की बातें सुनकर ड्राइवर दंग रह गया। उसने फिर कहा, आपने अपनी हालत देखी है? आपने अपने हुलियों को देखा है? कोई आपको अंदर घुसने भी नहीं देगा। आपको तो कोई भीख भी नहीं देगा। और आप सोच रही हैं मुझे ऐसे किसी से भीख मांगकर पैसे दे पाएंगी? पैसे जेब में होते नहीं हैं और मुंह उठाकर चले आते हैं। जब पैसे नहीं थे तो टैक्सी की ही क्यों थी? उस टैक्सी ड्राइवर ने देविका को देखा और फिर उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या पैसे दे पाओगी? जाने दो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। वैसे मैं तुम्हारे पैसे लूंगा भी नहीं। बस मान लो कि मैंने अपनी ट्रिप बर्बाद कर दी। जल्दी करो और नीचे उतर जाओ मेरी गाड़ी से। ओह थैंक यू। देविका ने उसे धन्यवाद दिया और फिर धक्का देकर दरवाजा खोला। पर दरवाजा खुलते ही वो धड़ाम से चक्कर खाकर गिर गई। जैसे ही वो कार से बाहर निकली थी उसका शरीर निढाल हो गया था और उसने अपने आप को गिरने से भी बचाने की कोशिश की थी। गिरने की वजह से उसकी गोद में पकड़ा उसका बच्चा भी गिर गया और चोट लगने की वजह से वो रोने लगा। जब देविका गिरी तो एवरशाइन ग्रुप के एंट्री गेट पर पहले से ही बहुत से लोग खड़े थे। वहाँ खड़े कई लोगों ने देविका को गिरते हुए देखा तो वो भी दौड़ लगाकर उसे संभालने आ गए। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी ड्राइवर से पूछने के लिए बाहर आ गए। क्या चल रहा है, वो गिरी क्यों? टैक्सी वाले ने बोला, मुझे नहीं पता, मैं उसे जानता भी नहीं। उसने मुझे बस यहाँ छोड़ने के लिए बोला था। ये बोलते बोलते ड्राइवर रोने वाला था, पर वो सोचने लगा कि आखिर वो इतना बदकिस्मत क्यों है। पूरे रास्ते गाड़ी चलाने के बाद इतनी दूर यहाँ आया। ऊपर से उसके पास पैसे भी नहीं थे तो ठीक था, कोई बात नहीं, पर अब उसकी जिम्मेदारी भी ले लूं। तुमने उसे यहाँ छोड़ा है, अब उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें उठानी पड़ेगी। ऐसे तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ड्राइवर से गार्ड ने कहा। अरे मैं तो सिर्फ टैक्सी से उसे यहाँ लाया था, मुझे सच में उससे कोई लेना देना नहीं है। रुको मैं अभी तुम्हें उस औरत से पूछकर बताता हूँ। ड्राइवर ने धक्का देकर दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल आया। अब ड्राइवर घूमकर दौड़ लगाता हुआ आया और देविका के सामने खड़ा हो गया। अरे मैडम जल्दी से उन्हें बताओ कि तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। देविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी थी, मगर उसके गिरने की वजह से गोद का बच्चा भी नीचे गिर गया। जब उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसने तुरंत दर्द में पुकारा, बेबी बेबी। उन दोनों के गिरने से दयालु सुरक्षा गार्ड ने तुरंत बच्चे को उठाते हुए देविका को देखा। जब देविका ने बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई कि गार्ड ने उसे सहारा दिया। वही ड्राइवर अभी भी देविका को देख रहा था। उसने एक्साइटेड होते हुए दोहराया, अरे मैडम जल्दी से उन्हें बताओ कि तुम खुद एवरशाइन ग्रुप में आई हो, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। देविका ने अपना सिर घुमाया और ड्राइवर को कुछ कहने से पहले बहुत देर तक उसे घूरा। तुम वही हो ना जिससे मुझे यहाँ पहुँचाया है? टैक्सी वाले ने बोला, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इन्हें कहना होगा कि आप मुझे नहीं जानते। ड्राइवर इतना घबरा गया कि उचकते हुए उसने कहा,
तभी उसके बगल में सिक्योरिटी गार्ड ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर भाई मुझे लगता है कि तुम्हें उसे यहाँ छोड़ने की जगह अस्पताल ले जाना चाहिए, वो बहुत बीमार लग रही है। हालांकि वहाँ खड़ी देविका ने जब ये सुना कि वो लोग उसे अस्पताल भेजना चाहते हैं, तो उसने जोर से चीखा, नहीं मैं अस्पताल नहीं जा रही हूँ, मैं एवरशाइन ग्रुप में जाना चाहती हूँ। अरे मैडम, ये एवरशाइन ग्रुप का एंट्री गेट है, ड्राइवर ने उसे प्यार से याद दिलाया। ये सुनते ही देविका ने अपना सर उठाया और फिर एवरशाइन के गेट को देखा। अंत में उसने कहा, हाँ मैं यहीं तो हूँ, मुझे अब ध्रुव को ढूंढना होगा। इतना कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ गई, मगर इससे पहले कि वो गेट के अंदर घुसती उसने अपना संतुलन खो दिया और खुद को आगे की तरफ गिरा दिया। तभी पीछे खड़े गार्ड ने जल्दी से उसे पकड़कर सहारा दिया, मिस अंदर भूलकर भी घुसना मत, आप इस कंपनी में बिना अपॉइंटमेंट नहीं घुस सकती हैं। नहीं मैं अंदर जाना चाहती हूँ, मुझे ध्रुव मित्तल से बात करनी है। अभी ध्रुव सर एवरशाइन ग्रुप में नहीं है। गार्ड सच में उसे दूर फेंकना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वहीं पास में खड़े ड्राइवर ने आखिर में देविका को संभालते हुए कहा, मैडम चलिए, क्या मैं आपको अस्पताल ले जा सकता हूँ? मैं ध्रुव मित्तल से बात करना चाहती हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उससे। ये बोलते हुए देविका उठी और उसने ड्राइवर को ना कहते हुए सर हिलाया, अरे मैं सच में बीमार और परेशान हूँ ये मुझे पता है, पर अभी मेरा ध्रुव से मिलना बहुत जरूरी है। ये सुनते ही देविका की जिद के आगे ड्राइवर ने भी अपना माथा पकड़ लिया। वहीं पास में खड़े सुरक्षा गार्ड ने भी देविका को सलाह दी, मिस डायरेक्टर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप आसानी से मिल सकें। आप पहले हॉस्पिटल से इलाज करवा लो फिर आ जाना। नहीं ध्रुव से मिलना है मुझे पहले। सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर ने एक दूसरे की तरफ देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि देविका के साथ क्या किया जाए। अचानक देविका ने ड्राइवर को धक्का दिया और दरवाजे की ओर भागी। ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड ने एक दूसरे को देखा, उन्होंने बच्चे को उठाया और देविका का पीछा किया। देविका दौड़कर सामने के रिसेप्शन डेस्क पर गई और रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैं ध्रुव से मिलना चाहती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी नाक को ढक लिया और कुछ देर तक मैले और बदबूदार देविका के कपड़ों को घूरती रही। फिर उसने पीछे से आए सिक्योरिटी गार्ड से कहा, भिखारियों को अंदर कैसे जाने दिया जा सकता है? तुम लोग अभी भी उसे बाहर नहीं निकालोगे क्या? क्या कोई भी आएगा और कंपनी के मालिक से मिलने की बात करने लगेगा? ड्राइवर ने कुछ नाराजगी के साथ जवाब दिया, वो भिखारी नहीं है, वो बस थोड़ा बुरी हालत में है, मैं मानता हूँ इस बात को, आपको किसी की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। भले ही वो भिखारी ना हो, ये वो जगह नहीं है जहाँ वो आ सकती है। रिसेप्शनिस्ट ने जो कहा वो वास्तव में सच था। इंडिया की नंबर वन कंपनी के फर्स्ट फ्लोर के हॉल में इस तरह की बुरी हालत में घुसाई भिखारी जैसी दिखने वाली औरत ने उनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया था। ड्राइवर ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, पर चुप रहकर ही उसने देविका को सिक्योरिटी गार्ड के साथ बाहर खींच लिया। ये देखकर देविका से रहा नहीं गया, वो जोर से चिल्लाई, मैं आपके डायरेक्टर की बुआ हूँ, मेरा सरनेम मित्तल है, मुझे उससे मिलना है, मेरा मिलना जरूरी है उससे। जब ये शब्द उसके मुंह से निकले तो सभी ने अपने अपने काम बंद कर दिए और देविका की ओर देखा। वो सब सोचने लगे कि ये भिखारी जैसी दिखने वाली औरत डायरेक्टर की बुआ है, ये भिखारन कहीं पागल तो नहीं। तभी देविका ने उन सब को देखते हुए फिर से कहा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे ध्रुव मित्तल से मिलने में एक बार मदद करें। क्या देविका ध्रुव से मिलने में कामयाब होगी या अभी भी एवरशाइन ग्रुप से निकाल दी जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट एफएम के साथ। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे ध्रुव मित्तल से मिलने में एक बार मदद करें। देविका के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले वहाँ खड़े सब लोग दंग रह गए, पर देविका वहाँ से हटने को तैयार नहीं थी। सिर्फ देविका को ही पता था कि वो कितनी मेहनत से ध्रुव के पास पहुँच पाई है। अगर आज उसे यहाँ से हटा दिया गया तो फिर वो कभी ध्रुव से नहीं मिल पाएगी, और अगर मिली भी तो तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। देविका कोई चांस नहीं ले सकती थी। अपने बेटे को अपनी गोद में लिए देविका ने फिर एक बार सबकी तरफ देखा। वो सबकी नजरों में देखकर ये जानना चाहती थी कि आखिर इस वक्त उसकी मदद कौन कर सकता है। यहाँ कोई तो ऐसा होगा जो इस वक्त देविका की बात और हालात समझ सके। तभी उसे अचानक ही रतनलाल की याद आ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि रतनलाल ही है जो यहाँ उसे बहुत अच्छे से जानता है।
और उसकी ध्रुव से मिलने में मदद कर पाएगा। अगर वो सीधा रतनलाल का नाम लेगी तो शायद लोग उसे पहचान लेंगे कि वो सचमुच में ध्रुव की रिश्तेदार ही है। वैसे भी रतनलाल को जानना भी कोई मामूली बात नहीं थी। देविका ने फिर से रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। उसे देखकर जैसे ही वो मुंह खोलकर कुछ बोलने वाली थी, तभी एक आदमी जो कि वहाँ का फ्लोर मैनेजर था, उसने आगे आकर देविका से कहा, अरे बाहर निकालो इसे। भिखारियों जैसे दिखने वाली ये औरत क्या सच में डायरेक्टर की रिश्तेदार हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। अगर ये डायरेक्टर की रिश्तेदार होती तो कम से कम इसकी ये हालत तो न होती। ये जरूर कोई सनकी औरत है जो यहाँ किसी गलत मकसद से घुसना चाहती है। गार्ड्स, आगे आकर इसे अभी यहाँ से लेकर जाओ, जल्दी। ये सुनते ही देविका सकपक आ गई। उसने फिर से हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे एक बार बस ध्रुव से मिलने दो। रतनलाल, हाँ अगर रतनलाल भी हो तो मेरी एक बार उससे बात करा दो, बस एक बार। देविका का चेहरा कमजोर पड़ता जा रहा था। इतने बुखार में भी वो अपनी पूरी दम लगा रही थी, जिससे वो अब थक चुकी थी। उसकी हालत इस वक्त इतनी खराब हो गई कि उससे खड़ा न रह गया और उसने अपने आप को जमीन पर छोड़ दिया। देविका की हालत देखकर ड्राइवर से अब रहा न गया। उसने हिम्मत करके रिसेप्शन पर बैठी लड़की से कहा, मैडम ये मानने वाली नहीं है। हम लोग इन्हें बहुत देर तक बाहर भी समझाते रहे, लेकिन ये भागकर यहाँ आ गई। अगर ये इतना कह रही हैं, तो तसल्ली के लिए एक बार फोन करके पूछ लीजिए ना। देविका को जमीन पर बैठे देख लड़की को भी कुछ अजीब लगा। अगर ये सीन गलती से उसके बॉस ने देख लिया तो उसके लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए जल्दी से इसको मना कर देना ही उसने सही समझा। वो कुछ हिचकिचाई और ऊपर वाले ऑफिस में फोन कर दिया। वहाँ एवरशाइन के एडवांस मीटिंग रूम में कुछ जरूरी मुद्दों पर डिस्कशन को लेकर मीटिंग चल रही थी। अपनी चेयर पर बैठा ध्रुव अंदर एक बेचैनी लिए किसी तरह अपना ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश कर रहा था। असल में उसे हमेशा यही डर बना रहता था कि अब कुछ गलत होने वाला है, अब कुछ उल्टा होगा। इसी सब के चलते वो मीटिंग में कभी ध्यान नहीं लगा पाता था और सारी मीटिंग के दौरान भटका हुआ सा बैठा रहता था। रतनलाल ध्रुव के अंदर क्या चल रहा है ये अच्छे से जानता था, इसलिए वो ही एक यहाँ ऐसा था जो ध्रुव के बिहाफ में सारा कुछ संभाल लेता था, जिससे किसी को ध्रुव पर जरा भी शक ना हो। वाइस प्रेसिडेंट खड़े होकर अपनी रिपोर्ट्स को सबके सामने बताने जा रहे थे। मैंने कस्टमर्स की पसंद का हाल ही में एक सर्वे कराया है, जिससे ये पता चला है कि आदमी अब की। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। मीटिंग टेबल पर बैठे सारे लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे के पास बैठे बिजनेस मैनेजर को रतनलाल ने आंख से इशारा किया और वो तुरंत उठकर दरवाजे की ओर निकल गया। दरवाजा खोलते ही बिजनेस मैनेजर ने देखा कि ऑफिस प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी नर्वस सा उसके सामने खड़ा है और उसकी आंखें नीची हैं। उसे सामने देखते ही मैनेजर का मन हुआ कि उसे उठाकर वापस अपने ही ऑफिस में फेंक आए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। असल में सेक्रेटरी को अलग से डायरेक्टर ने सिलेक्ट किया था ताकि कभी भी कोई काम आए तो ये डायरेक्ट उससे कॉन्टेक्ट कर सके, इसलिए मैनेजर चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकता था। सेक्रेटरी को पता था कि उसने मीटिंग के बीच में ही दरवाजा नॉक करने की जरूरत की है, इसलिए वो पहले से ही डरा हुआ था। उसने अपने मुंह का थूक गटका और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, रतनलाल सर। बेचारे सेक्रेटरी को लगा था कि वो धीरे से रतनलाल को बाहर बुलाकर अपनी बात कह देगा, लेकिन मीटिंग रूम में तो पिन ड्रॉप साइलेंस था, इसलिए उसकी इतनी धीमी आवाज भी सारे लोगों के कानों तक पहुंच गई, यहां तक कि ध्रुव के भी। ध्रुव अपने ख्याल में ही खोया था, लेकिन सेक्रेटरी की आवाज कानों में पड़ते ही उसे कुछ होश आ गया। उसने अपनी पलकें उठाकर दरवाजे की ओर देखा। रतनलाल ने ध्रुव को नोटिस कर लिया था। उसने तुरंत उसे संभालते हुए कहा, सर मैं देखता हूँ, बस अभी आया। हाँ, कहकर ध्रुव ने अपनी नजरें दरवाजे से मोड़ ली। रतनलाल खड़ा हुआ और तुरंत सेक्रेटरी को अपने साथ ले जाता हुआ मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। मीटिंग रूम से कुछ दूर ले जाकर रतनलाल ने सेक्रेटरी को देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम्हें पता है ना कि ध्रुव सर को मीटिंग के बीच में किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस पसंद नहीं? वो तो मैंने अभी संभाल लिया, वरना आज तो तुम्हारी और मेरी मौज हो जाती। सेक्रेटरी का मुंह अभी पीला पड़ा हुआ था। वो बस सिर नीचे किए रतनलाल की डांट सुन सकता था। जब रतनलाल ने सब कुछ बोल लिया तो उसने अपना पसीना पोंछते हुए धीरे से कहा, सर मुझे मालूम है कि बीच मीटिंग में इस तरह आना बिल्कुल गलत है,
लेकिन कंडीशन ही ऐसी थी कि... क्या कंडीशन? रतनलाल ने पूछा। असल में सर, नीचे रिसेप्शन से फोन आया कि कोई औरत बहुत देर से वहाँ बैठी है और अपने आप को मित्तल बता रही है और कहती है कि वो ध्रुव सर की बुआ है। सेक्रेटरी ने जो कहा उससे रतनलाल की आंखें बड़ी हो गईं। इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, रतनलाल ने उसे देखते हुए कहा, क्या कहा मित्तल? मित्तल सरनेम के गिने चुने लोग ही होंगे जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फिर ये आखिर कौन है और क्या मैं इसे भी जानता हूँ या नहीं? मुझे कैसे इसके बारे में पता नहीं चला? अपने आप से कुछ बातचीत करके रतनलाल अचानक होश में आया। उसने सेक्रेटरी के कंधे पर हाथ रखकर फिर से एक बार कंफर्म किया, तुमने क्या कहा? उस औरत ने खुद को क्या बताया? सर, ध्रुव सर की आंटी। सेक्रेटरी को लगा कि उसकी इस बात पर रतनलाल गुस्सा हो गया। उसने कुछ हिचकिचाते हुए जवाब दिया। सेक्रेटरी के मुंह से कंफर्म होते ही रतनलाल ने अपना हाथ उसके कंधे पर से हटाया और वहां से निकल गया। अचानक उसे कुछ याद आया, वो रुका और पीछे मुड़कर सेक्रेटरी से बोला, तुम यहीं रुको और अगर ध्रुव सर मेरे बारे में पूछें तो कहना बुआ जी के पास उन्हें संभालने गया हूँ। इतना कहते ही रतनलाल मुड़ा और तेज कदमों से एलिवेटर की तरफ निकल गया। रतनलाल के जाने के बाद सेक्रेटरी ने चैन की सांस ली। उसे तो लगा था आज उसकी नौकरी गई। अच्छा तो क्या सच में वो औरत ध्रुव सर की बुआ या कोई रिश्तेदार होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, जो भी हो। लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट ने फोन करके उसे ये सब बताया कि उस औरत की हालत खराब है, तो उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन उसने रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा और यहाँ आकर रतनलाल को बता दिया। एलिवेटर नीचे आ चुका था। कुछ सोचता हुआ रतनलाल लिफ्ट से बाहर आया और सीधा मेन हॉल में जाकर रिसेप्शनिस्ट से बोला, कहाँ है वो औरत? रतनलाल को देखकर लड़की ने उसे ग्रीट किया और तुरंत कुछ दूर उंगली से इशारा करती हुई बोली, सर वहाँ वो रही। रतनलाल ने लड़की को कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत उस डायरेक्शन में बढ़ गया। रतनलाल ने दूर से ही देखा कि कुछ लोग किसी इंसान को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने कदमों की स्पीड तेज कर दी और तुरंत उस भीड़ में से लोगों को हटाता हुआ सामने पहुंचा। सामने पहुंचते ही रतनलाल ने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसने देखा कमजोरी की हालत में देविका किसी तरह खड़ी है। उनकी हालत इतनी खराब थी कि गार्ड्स को उन्हें सहारा देना पड़ रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके तेज सांसें ले रही थीं। रतनलाल को देखते ही सारे लोग हट गए और उसे आगे आने के लिए जगह दी। वो तुरंत देविका के करीब पहुंचा और उन्हें आवाज देते हुए बोला, बुआ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? बुआ जी बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रही थीं। अचानक जानी पहचानी आवाज सुनकर उनकी बंद आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा रतनलाल उनके सामने ही खड़ा है। उसे देखते ही वे हड़बड़ी में बोली, रतनलाल जल्दी मुझे ध्रुव से कुछ। देविका बहुत देर से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थीं। अब उनसे रहा ना गया। अधूरी बात के बीच में ही उन्हें चक्कर आ गया और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। क्या हुआ इन्हें? जाओ जल्दी से डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। रतनलाल ने तुरंत देविका को अपनी गोद में उठाया और दौड़कर उन्हें वेटिंग रूम की तरफ लेकर भागा। तभी वहां खड़े एक गार्ड ने रतनलाल को हिचकते हुए आवाज दी और अपने हाथ के बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर ये भी इनके साथ था, उसे भी वहीं लेकर आओ। इतना कहते ही रतनलाल मुड़ा और तेज कदमों से वेटिंग रूम की तरफ निकल गया। देविका को सोफे पर लिटाकर रतनलाल खड़ा हुआ ही था कि तभी कंपनी की मेडिकल टीम वेटिंग रूम में पहुंच गई। रतनलाल ने जैसे ही उन लोगों को देखा वो कुछ दूर हट गया और तुरंत डॉक्टर से बोला, जल्दी से इन्हें चेक करो। डॉक्टर ने देविका को चेक करना शुरू किया। रतनलाल साइड में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। देविका बेहोश होने से पहले कुछ कह रही थीं। रतनलाल ने अब ध्रुव को बताना ही सही समझा। वहां मीटिंग रूम में नॉक होने से पहले वाइस प्रेसिडेंट की जो स्पीच रुक गई थी वो उसे अब फिर से शुरू करने वाला था। उन्होंने पहला सेंटेंस शुरू किया होगा कि इस बार ध्रुव के फोन की रिंग बज उठी। हालांकि फोन वाइब्रेशन पर था इसलिए ध्रुव के अलावा किसी को भी इसका पता न चला। ध्रुव ने धीरे से फोन जेब से निकाला और नीचे करके उसकी स्क्रीन पर देखा। स्क्रीन पर रतनलाल का नंबर शो हो रहा था। इस वक्त रतनलाल का फोन आते देख ध्रुव समझ गया था कि जरूर कोई न कोई बात है, वरना ये जानते हुए भी कि वो मीटिंग में है रतनलाल उसे फोन न करता। उसने बिना किसी झिझक के फोन पिक कर लिया। बोलो सर वो। जैसे ही ध्रुव ने रतनलाल की बात सुनी वो शॉक्ड रह गया, उससे रहा न गया। उसने तुरंत फोन काटा और अपना कोट उठाकर तेज कदमों से
मीटिंग रूम के बाहर निकल गया। बेचारे वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने जोश के साथ अपनी स्पीच फिर से शुरू की थी, ध्रुव का एक्शन देख उनका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कहना चाहती थी देविका आखिर ध्रुव से? क्या ध्रुव अपनी बुआ को बचा पाएगा? क्या होगा कहानी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट FM के साथ।